मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर टूडेज टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अज के लैक्चर आप पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस की होंगे है तो वो प्रॉपर्टीज़ की ने एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस की रिप्रजेंटेशन बारे। सब तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस की चीज़ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो नाम तो ही पता चल रहा है। देखो इक्विपोटेंशियल, इक्यू प्लस पोटेंशियल, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, मतलब की हो गया इक्वल पोटेंशियल सरफेस। वो सरफेस जिस दे हर पॉइंट दे ऊपर पोटेंशियल हमेशा की रहिंदा है सेम रहिंदा है उस सरफेस नूं आपां की कहिंदे आ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन तो भी देखो, सरफेस इज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड इक्यू पोटेंशियल सरफेसिज। वो सरफेस जिन्हां दे हर पॉइंट दे उपर पोटेंशियल रिमेन सेम उस सरफेस नूं आपां की कह दिंदे आ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। देखो आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिता है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये आले दुआले वह इलैक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस भी होनगियाँ। थोनू पिछले टॉपिक समझाया से इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, एक पॉजिटिव चार्ज लिए इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन किधर होंगी है, आउटवर्ड डायरैक्शन होंगी है। आदि की बनिया ने अपने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बनाई हुई ने इस चार्ज दियाँ प्लस क्यू चार्ज दियाँ। हुण जे आपां देखिए जे ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ने, तो यदा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होगा जिदे हर पॉइंट के उपर पोटेंशियल की रहेगा हमेशा सेम रहेगा। देखो इस प्लस क्यू चार्ज लिए हमेशा जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के होंगे। क्यों होंगे एक कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के? देखो जे आपां ने इस पॉइंट तो सेम डिस्टेंस लैना तो सेम डिस्टेंस तो जो सेम डिस्टेंस लवेंगे तो वह एक सर्कल की फॉर्म ही लगेगा, ये की होंगे एक रेडियस। तो जो पॉजिटिव चार्ज कोई भी पॉइंट चार्ज है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा किड़ी शेप के होंगे है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होंगे वह इक्विपोटेंशियल सरफेस। हुण मान लो इस सरफेस के उपर अपने कोई एक पॉइंट ए है तो दूसरा पॉइंट की है बी है। हुण अपने कोई भी इनफिनिटी तो कोई चार्ज लैके आना तो इतने पोटेंशियल किन्ना होगा वी ए, इतने पोटेंशियल किन्ना होगा वी बी। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए की होगा वी ए हमेशा कि इक्वल होगा वी बी। तुसी पिछले आर्टिकल च पोटेंशियल का फॉर्मूला भी डिराइव किया होना, उत्थों भी देख लें। वी कहदे इक्वल होंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π ε0 इंटू आर। देखो क्यों कॉन्सटेंट है, 4π ε0 भी कॉन्सटेंट है, तो वी किस पर डिपेंड कर रहा सिर्फ आर ते। आर की है इस कंसेंट्रिक सर्कल का की है रेडियस जिहदा सेंटर की है ये चार्ज है। देखो जे आर कॉन्सटेंट किसी सर्कल लिए रेडियस हमेशा कॉन्सटेंट होंगे है, जे आर कॉन्सटेंट है तो उस सरफेस पर पोटेंशियल भी की रहेगा हमेशा कॉन्सटेंट रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है इस सरफेस के उपर जेड़ा पॉइंट होगा उस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। हुण मान लो इहदा एक एक पोटेंशियल सरफेस आ सी, इत्थे एक पॉइंट लै लिया मैंने वी जिथे पोटेंशियल किन्ना वी बी, तो दूसरा सर पॉइंट ले लिया वी सी, तो वी बी इतने कि इक्वल होगा वी सी, ना कि ए वाला पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल कदे नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वक्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वक्रे वक्रे इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल की नहीं होगा, सेम नहीं होगा। सिर्फ जे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस देखांगे तो उसते जेड़ा भी पॉइंट लाई करूगा उस सरफेस से उसका पोटेंशियल की रहेगा हमेशा अपने कोल सेम रहूगा। ए सी इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन सुनो दोबारा, सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओ सरफेस जिस दे हर पॉइंट ते पोटेंशियल की रहिंदा हमेशा सेम रहिंदा उस सरफेस नूं आपां की कह दिंदे आ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नैक्सट है हुण रीप्रजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसिज। इक्विपोटेंशियल सरफेस की रीप्रजेंटेशन देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है फॉर क्यू ग्रेटर दैन जीरो। फॉर क्यू ग्रेटर दैन जीरो का मतलब कि अपने कोई पॉजिटिव सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो उन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड्स की डायरैक्शन आउटवर्ड डायरैक्शन, ठीक है। तो जिहड़े इहदे च इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे तुहानू पहला भी दस्सिया वह किहड़ी शेप होगी, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसिज। तो अपने को शेप बना रही हूँ मैं उन्हां दी, ये अपने कोल की ने कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसिज एंड आर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल चार्ज। ये जिमें जिमें दूर दूर जाई जावांगे सरफेस एक दूसरे तो की होंगे जाएंगे, दूर दूर होंगे जाएंगे, इहदा कारण की है
क्योंकि जिमें जिमें आप चार्ज तो दूर जाने वो इलैक्ट्रिक फील्ड की होंगे रहा है, इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा की होंगी रहती है, घटती रहती है। ठीक है, समझ लगी। नेक्स्ट सिमिलरली अपने को की है फॉर क्यू लैस दैन जीरो। फॉर क्यू लैस दैन जीरो मतलब कि अपने की है नैगेटिव चार्ज है, तो ये को अपनी डायरेक्शन की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की इनवर्स डायरैक्शन होगी। तो सिमिलरली ये भी सिंगल चार्ज है, जिमें अपने क्यू ग्रेटर दैन जीरो लिए अपने कंसेंट्रिक सर्कल वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करे सी, सिमिलरली अपने को होंगे एक नैगेटिव चार्ज थी। कंसेंट्रिक सर्कल्स किदे ने है अपने कोल फॉर क्यू ग्रेटर दैन जीरो एंड फॉर क्यू लैस दैन जीरो। जिमें जिमें चार्ज तो दूर जा रहे हैं, सर्कल सरफेस एक दूसरे तो की होंगे जा रहे हैं, दूर होंगे जा रहे हैं, क्योंकि चार्ज का जोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दूर जाने तक की होंगी रहती है, घटती जाती है। नैक्सट थर्ड केस अपने कोल होनी डायपोल, फॉर डायपोल ये सारा थोनू जे थो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की रीप्रजेंटेशन आती है तो ही होगा, क्योंकि अपने उत्थे सेम क्यू लैस दैन जीरो फॉर क्यू ग्रेटर दैन फॉर डायपोल फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड लिए अपने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की कितिया से ड्रॉ की सी। हुण फोर डायपोल, डायपोल च की हुंदा हुंदा अपने कोल एक पॉजिटिव चार्ज हुंदा एक नैगेटिव चार्ज, इत्थे ज़्यादा की होगा इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि दोनों केड़े चार्ज ने ओपोजिट चार्ज ने। सिमिलर ड्रॉ करते हैं इहदे लई भी कंसेंट्रिक सर्कल्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, इहदे लई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप की होगी कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक चीज़ याद रखियो, इधर वाले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इधर जिहड़े सर्कल होणगे एक दूसरे के नेड़े नेड़े होणगे, इधर जिहड़े सर्कल होणगे एक दूसरे तो थोड़ी दूर दूर होणगे। फर्स्ट सर्कल देखो ध्यान नाल, सारे सर्कल सेम ड्रॉ करने हैं पर की होगा अंदरले पासे सरफेस की होणगे थोड़े नेड़े नेड़े होणगे, जदों जिवें जिवें आपां दूर जाई जावांगे सरफेस उधरले पासे की हुंदे रहणगे खुले हुंदे रहणगे। सिमिलरली आपां किहदे लई ड्रॉ कर रहे हैं नैगेटिव चार्ज लई, दोनों पासे सेम ड्रॉ करने हैं क्योंकि पिछले पॉइंट्स तुहानूं दस के हटी हैं फॉर नैगेटिव चार्ज एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज। शेप ऑफ एक पोटेंशियल सरफेस इज कंसेंट्रिक सर्कल, देखो मैं सर्कल ड्रॉ किए ने हर थां ते, आ लास्ट वाला कंसेंट्रिक सर्कल क्योंकि इधर इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत घट सी तो अपन इस तरीके ड्रॉ कर देंगे। ये होर भी होंगे, ये मैं थोड़ा दिखाने सिर्फ आ शो करता। ठीक है, नैक्सट है हम अपने को फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, जो दो पॉजिटिव चार्ज इक्वल पॉजिटिव चार्ज बनाने तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किस तरीके की होंगे ने, इस तरीके दियाँ। इतने इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट होंगी है, बारे पास इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की होंगी है ज़्यादा होंगी है। तो जो आप कंसेंट्रिक सर्कल एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करा तो इधर जोड़े सरफेस होने थोड़े एक दूसरे के नेड़े होने, इधर थोड़े की होने एक दूसरे तो खुले होने। जो आप आह वाला लास्ट वाला ड्रॉ करते हैं तो आप इनू अंदर लैन की बजाय इतों एवं वापस करके यदा सर्कल की कर दें पूरा कर देने। नैक्सट है हम अपने फॉर यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, जोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है इक्वल डिस्टेंस तो होनी है फील्ड लाइनस, वो वाला फील्ड केड़ा होंगे यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। जो कहता जे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है तो जोड़े इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कि डायरैक्शन होने वाई जैड डायरैक्शन हो। देखो इस तरीके अपने को होने हूँ अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस, जे इलैक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरैक्शन जा रहा है तो जोड़े है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे कि डायरैक्शन के हो गए वाई जैड डायरैक्शन। देखो आ एक्स डायरैक्शन वाई डायरैक्शन जैड डायरैक्शन, जैड डायरैक्शन का दूसरा पासा इधर जैड डायरैक्शन, तो जोड़ा अपने को जे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस एक्स डायरैक्शन ने तो अपने को जोड़ा सरफेस होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कि डायरैक्शन होंगे वाई जैड डायरैक्शन के हो गए। तो जोड़े इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे पैरलर प्लेन होंगे एक दूसरे के की होंगे ये पैरलर होंगे, तो इलैक्ट्रिक फील्ड के की होंगे परपेंडिकुलर होंगे। मेरे हाथ वाल देखो जिमें मेरा हाथ है ये की ने अपने को इलैक्ट्रिक ये अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो
ये जड़ियाँ की ने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने, तो कोई भी विंडो दे विचों कोई रेज आ रही ने, तो जड़ी विंडो होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर रही है, रेज का दिया काम कर रही ने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, जा इलैक्ट्रिक फील्ड का काम कर रही ने। तो जदों ये जो पास कर रही ने, देखो डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर है, प्लेन फील्ड दे की आ रहा अपने को परपेंडिकुलर आ रहा है। तो फिर जो इलैक्ट्रिक एंड जब की फिर कह रहे हैं जो इलैक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो जोड़े सरफेस होंगे केड़ी डायरेक्शन होंगे, वाई जेड प्लेन दे होंगे। तो जोड़े इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे एक दूसरे के की होंगे पैरलर होंगे, पर इलैक्ट्रिक फील्ड दे की होंगे ये परपेंडिकुलर। हुण नैक्सट ने अपने कोल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस दी प्रॉपर्टीज ने। सब तो पहली प्रॉपर्टी तो की है, कहिंदे चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। पहले ही दस के हटे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दे हर पॉइंट ते पोटेंशियल की होगा सेम होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल की होजूगा जीरो। मतलब की है वह डीवी का दे इक्वल होजूगा अपने को जीरो। आ पॉजिटिव चार्ज है, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इतने एक पॉइंट है जिथे पोटेंशियल वी ए है, तो दूसरा पॉइंट की है वी जिथे पोटेंशियल की ना अपने को वी बी। तो अपने को जो चेंज इन पोटेंशियल कहदे इक्वल हुंदा है वी बी माइनस वी ए, आप पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस च पढ़ के हटे हैं। दिस इज बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज किहदे इक्वल होगा, डी वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। पर आपां नूं पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ते पोटेंशियल की हुंदा है हमेशा सेम, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए। पुट दिस वैल्यू इन टू दिस इक्वेशन, तो अपने कोल की आ गया वी ए माइनस वी ए, तो अपने कोल डी वी का इक्वल आ गया जीरो। तो ये अपनी की सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, दैट इज डी वी इज इक्वल टू जीरो। हुण सैकेंड प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन च आ जाती है। वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कहना जे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से कोई वर्क डन करते हैं किसी चार्ज में एक थान तो दूसरे पॉइंट पर लैके जाने, तो उत्थे जड़ा वर्क डन होगा वह की होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के उपर जीरो होगा। आपको पता ही है पोटेंशियल कहदे कोल हुंदा हुंदा वर्क डन अपॉन चार्ज। जे आप स्मॉल पोटेंशियल लें तो वर्क डन भी स्मॉल, तो डी वी इज इक्वल टू डी डबल्यू अपॉन क्यू नोट। डी डबल्यू की वैल्यू फाइंड कर लो डी वी इन टू क्यों ना, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करके हटे हाँ। पोटेंशियल चेंज कहदे कोल हुंदा अपने एक पोटेंशियल सरफेस ते जीरो दे कोल, देयरफॉर डी डब्ल्यू वी कहदे कोल आ गया अपने कोल जीरो। वर्क डन ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लास्ट रीप्रजेंटेशन भी थोड़ा समझा के हटे हैं भी जोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होगा वह हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस द की होंगे होंगे परपेंडिकुलर। देखो कोई पॉजिटिव चार्ज है इहदा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फील्ड परपेंडिकुलर, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ये अपना सरफेस ही की होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हुण आपां नूं पता है वर्क डन कहदे कोल हुंदा है फोर्स डॉट डिसप्लेसमेंट। हुण आपां नूं ये भी पता है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहदे कोल है फोर्स अपॉन चार्ज, इत्थों अपने कोल कहदी वैल्यू आजूगी फोर्स दी। पुट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो अपने कोल की आ गया डी डबल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई डॉट डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट किवें खोलते होंने ई डी एक्स कोस थीटा। हुण आपां नूं पता है वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो, लास्ट प्रॉपर्टीज प्रूव करके हटे हैं, देयरफॉर डी डबल्यू का इक्वल अपने कोल जीरो। जदों डी डबल्यू की इतने वैल्यू पुट की जीरो, तो अपने कोल इक्वेशन बन गई जीरो इज इक्वल टू क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा। हुण आपां नूं पता है चार्ज जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज लै रहे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं हो सकता, ना डिसप्लेसमेंट एक चार्ज में जो दूसरे चार थान पर लैके जावे तो डिसप्लेसमेंट होगी, तो डिसप्लेसमेंट भी नहीं जीरो, तो की गला जीरो हो सकता है, सिर्फ कोस थीटा कि इक्वल आ सकता है अपने को जीरो दे। कोस थीटा जीरो कितने होंगे जो थीटा की वैल्यू कि होंगी अपने को 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अपना इलैक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस दे की आ गया परपेंडिकुलर आ गया। नैक्सट फोर्थ प्रॉपर्टी अपने को, थोनों पहला भी दसी भी जिन्ना चार्ज के नेड़े होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द रीजन ऑफ स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के नेड़े इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ने एक दूसरे के की होने नेड़े नेड़े होने, जिन्ना आप चार्ज तो दूर जाते रहेंगे इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती रहेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे तो की होंगे रहने दूर होंगे रहेंगे।
फिफ्थ प्रॉपर्टी किवें है, जिवें इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस दो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इंटरसैक्ट नहीं कर सकदियां सी, सिमिलरली दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस दे विच इंटरसैक्ट नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव डिफरेंट इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। जे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ने तो दोनों के वक्रे वक्रे की होणगे पोटेंशियल होणगे। सो जे वो दोनों इंटरसैक्ट कर रहे ने तो इक्को पॉइंट के उपर दो पोटेंशियल आ रहे हैं, इक्को पॉइंट के उपर दो वक्रे वक्रे पोटेंशियल्स ने वैल्यूज़ आ रही ने जिहड़ियां की नहीं है पॉसीबल नहीं है, इक्को पॉइंट ते दो वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं। इस करके टू इक्विपोटेंशियल सरफेसिज कैन नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर। यह अपना आज का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसिज, इट्स रिप्रजेंटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।